हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल होलिक रॉबिन। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग दिल्ली से शिमला जा रहे हैं। विंटर्स का टाइम है और आज सुबह काफ़ी फॉग भी हो रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं। दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस अराउंड 350 किलोमीटर है और जिसे कवर करने में हमें अराउंड 7 to 8 आवर्स लगेगा। अभी 8 बज गए हैं और मौसम क्लियर हो गया है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, इसलिए सोच रहे हैं अभी एक हॉल्ट लेके ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हमने हॉल्ट लिया है पंजाबी रसोई पे, तो ब्रेकफास्ट हो जाए। मौसम खुल गया है लेकिन अभी काफ़ी ठंड है। सबने अपनी पसंद का स्टफ पराठा मंगाया है, आलू पराठा, आलू प्याज पराठा, गोभी पराठा और साथ में है गरम गरम चाय। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं, अब यहाँ से अराउंड 3 आवर्स की जर्नी और रह गई है। हम लोग पहले अभी होटल नहीं जा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा मॉल रोड घूम लेते हैं, उसके बाद होटल में जाके चेक इन करेंगे। यहाँ पर पेड पार्किंग आपको इजीली अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम लोग लिफ्ट के लिए टिकट लेंगे। ये लिफ्ट से मॉल रोड तक जाया जाता है, आप लोग चाहो तो वॉक करके बाय स्टेयर्स भी जा सकते हो, बट ये काफ़ी ऊपर है तो इसलिए हम लोग लिफ्ट का टिकट लेने वाले हैं। टिकट की प्राइस की बात करें तो एडल्ट्स के लिए 20 रुपीज है, सीनियर सिटीजन के लिए 10 रुपीज और चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स के लिए फ्री है। हम लोग फाइनली मॉल रोड पे आ गए और हमने लिफ्ट 2 बार चेंज की थी, डायरेक्ट लिफ्ट नहीं है। मॉल रोड एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग सोच रहे कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ पे खाने के भी काफी ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट जो हमें अट्रैक्ट किया है वो है वुडविले बेकरी। मॉल रोड शिमला की फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको विंटर्स का काफी कलेक्शन मिल जाएगा, वुलन क्लोथ, शॉल्स, बूट्स और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी हैं। यहाँ पे स्ट्रीट फूड में भी काफी ऑप्शंस हैं। जिस बेकरी पे हमने जलेबी ली थी वहाँ का खाना काफी अच्छा है, प्राइस भी रीजनेबल है। हम लोग सोच रहे हैं शॉपिंग लौटते वक्त करते हैं, अभी यहाँ पे जो फेमस चर्च और हनुमान मंदिर है हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, वो थोड़ा ऊपर है तो लेट्स गो। यहाँ पर बच्चों के लिए रेंट पे प्रैम भी मिलती है, हमने थोड़ा बार्गेनिंग करके 200 रुपीज में फुल डे के लिए प्रैम लिया है। ये है क्राइस्ट चर्च, यहाँ पे काफी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। हनुमान मंदिर थोड़ा ऊपर पहाड़ पे है तो हमें अभी जाना है उस लोकेशन पे। अभी हम लोग हनुमान मंदिर के लिए जा रहे हैं और ऊपर जाने के लिए आप लोग कैब ले सकते हैं, नहीं तो रोपवे है। रोपवे के लिए पर पर्सन 490 चार्जेस हैं, थोड़े हाई है, और जो कैब है उसमें 100 रुपीज है पर पर्सन टू एंड फ्रो, तो उसके लिए हमें 10 मिनट्स वॉक करके ऊपर तक जाना होगा। तो फिलहाल हम लोग उधर जा रहे हैं, थोड़ा थक गए इसलिए अभी हॉल्ट लिया है। वॉक करते हुए हम लोग काफी ऊपर तक आ गए हैं। हम लोग वहाँ पे जो आपने चर्च देखा येलो बिल्डिंग पे, वहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वॉक करके आए हैं और ये स्लोप है तो थोड़ा टफ है। अगर एजेड लोग आपके साथ आते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग भी काफी थक गए हैं। अभी हमें ऊपर जाने के लिए और 10 मिनट्स लगेगा।
गाड़ी से उतरने के बाद हमें कुछ और स्टेयर्स ऊपर चढ़ के जाना होता है। हनुमान मंदिर को जाखू टेंपल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये शिमला की हाईएस्ट पीक जाखू हिल पर है। यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगा, हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और कैब वाले को हमने कॉल किया तो उसने हमें बोला कि उसे अभी 15 मिनट और लगेगा। ये लोग एक्चुअली अप डाउन करते रहते हैं, तो बेटर ये होता है कि जैसे ही आपके दर्शन हो जाएं आप कैब वाले को कॉल कर दें ऊपर से ही, ताकि जब आप ऊपर से नीचे आएं तब तक कैब वाला भी आ जाए। हमें अराउंड 15 मिनट्स वेट करना पड़ा। कैब की एक फिक्स्ड लोकेशन है, वहाँ पर वो आपको उतार देती है। वहाँ से हम लोग वॉक करके मॉल रोड जा रहे हैं और अब हम लोग करेंगे शॉपिंग। हम यहाँ पर इन्हीं बेंच पर बैठे थे तब कुछ कैब वालों ने हमें अप्रोच किया, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हमने फिर थोड़ा बार्गेनिंग करके कैब बुक कर ली। यहाँ पे काफी अच्छे कलरफुल स्टॉल्स और शॉल्स हैं, गिफ्टिंग पर्पस के लिए काफी अच्छे हैं, तो मैंने 3-4 ले लिए। शॉपिंग हो गई है, अभी हम लोग कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। हमने लिया है बर्गर, मिनी पिज्जा और पैटी। अभी हम लोग काफी टायर्ड हो गए हैं, अभी अपने होटल की तरफ चलते हैं। हमारा जो होटल है वो शिमला के थोड़ा और ऊपर है, वहां तक जाने में हमें अराउंड 1 आवर और लगेगा, तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे 2 रूम्स लिए, एक है क्लब रूम और दूसरा है ग्रैंड क्लब। ये है क्लब रूम, सो लेट्स हैव अ क्विक टूर ऑफ आवर क्लब रूम। जैसे हम लोग एंटर करते हैं राइट साइड में सबसे पहले आती है वार्डरोब। वार्डरोब के अपोजिट में है वॉशरूम। यहाँ पे है बड़ा सा मिरर, टी कॉफी मेकर, किंग साइज बेड है, एलईडी, वर्किंग टेबल एंड चेयर, एक्स्ट्रा टेबल एंड चेयर भी है। यहाँ पे आप लोग लंच और डिनर कर सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट है इस रूम का वो है सेंट्रली हीटेड रूम है ये। आज हमने लेट चेक इन किया क्योंकि हम लोग शिमला घूमने चले गए थे, अभी रात हो गई है तो व्यू तो यहाँ से नहीं मिलेगा, तो यहाँ से जो व्यू मिलता है वो मैं आपको कल सुबह दिखाती हूँ। ये है ग्रैंड क्लब रूम, इसका जो इंटीरियर है क्लब रूम से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसका जो साइज है क्लब रूम से थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भी है। ये है वॉशरूम, इसका वॉशरूम भी क्लब रूम से कंपैरेटिवली बड़ा है। टेबल और चेयर दिया यहाँ पे। वहां पे है वार्डरोब, टी कॉफी मेकर, किंग साइज बेड है। एलईडी रात हो गई है तो व्यू तो अभी आपको नहीं मिलेगा, इसका व्यू भी मैं आपको कल सुबह दिखाती हूँ। और ये रूम भी सेंट्रली हीटेड है। दो बटन ठीक है, अच्छे हो। हाँ, रिव्यू करती हूँ मैं। डिनर में है पनीर बटर मसाला, बिरयानी, दाल मखनी, नान, तंदूरी रोटी।